गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। अगर आपको मैथ नहीं आती है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आज से आपको आने लगेगी। मैथ में कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ आएगा, आखिर कोशिश करने से ही तो आता है ना। लहरों से डर करने का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चींटी की तरह लग जाना है। चींटी देखे हो ना, अपने से 50 गुना ज़्यादा बड़ा भार लेके जाती है, लेकिन जब तक उस भार को अपने लक्ष्य तक, अपने बिल तक नहीं पहुंचा देती, तब तक छोड़ती नहीं उसको। तो बस वैसे लगे रहना, चींटी की तरह लग जाना, मिल जाएगा सब कुछ। बार वाले क्वेश्चन मैथ में एक सबसे बड़ी कैंसर की तरह बीमारी है, बार वाले क्वेश्चन। अक्सर ये आते हैं एग्जाम में, आपकी परीक्षाओं में कैलकुलेशन के रूप में आके फंस जाते हैं ये, और फिर आप उसी में अटक जाते हो। चलिए हम आपको कुछ शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, इसमें बेसिक भी बताएंगे। तो प्रिय साथियों, शॉर्टकट तरीका में आप कंपटीशन में इसको यूज करोगे कि 5 के ऊपर अगर बार लगा है तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बता दो। 1A, 1B या 1C, हो गया सभी का कमेंट्स। चलिए तो आप लोग कोशिश कर लिए ना। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वो कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना। अभी बेसिक भी बताऊंगा कैसे आया, ये भी बताऊंगा। जैसे 0.5 के ऊपर बार लगा है ना, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। इसका मतलब ये होता है कि 0.555555 ये बार बार था, लाखों बार, अनंत बार, इसलिए इसको सबको बटोर के एक में बार लगा दिया। ठीक, ये कब आता है, इधर देखना। जैसे अगर हमें कहा जाए कि हमें 5 में 9 से भाग करना है, बताओ भाग जाएगा ना जाएगा? तो ऊपर आप दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0 उतार लोगे, 5 बार जाएगा, ये देखो 45 आ गया। और फिर क्या करोगे, एक बार दशमलव बढ़ाने के बाद बार बार 0 उतार सकते हो, ये 0 और ये देखो क्या आ गया, 45। फिर 5 आएगा और फिर आप 0 उतारोगे और फिर क्या होगा, ये 5 बार जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 जा रहा ना ऊपर, ये बार बार जाएगा, कभी ख़त्म ना होने वाला है, ये देखना। मतलब समझ में आया ना ये कब आता है? तो इसका मतलब ये हुआ। हाँ, तो इसका ट्रिक ये है कि आप ये नंबर लिख लो, 5 है जैसे, उसके नीचे एक लाइन खींच के अगर एक अंक पर बार लगा है तो नीचे 1 9 बढ़ा दोगे, यही आंसर हो गया। बस कभी करके देख लेना। जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा है, इसका राइट आंसर 3/9। जैसे 0.7 के ऊपर बार लगा है, इसका सही उत्तर 7/9। समझ गए ना, एक अंक पर बार लगा है तो लाइन खींच के एक बार क्या लगा दोगे, 9 लगा दोगे, बस हो गया। ये तो बात यहीं तक सीमित हो गई, अब इसके आगे देखना। लेकिन सीमित ही नहीं रहना, असीमित चलना। देखिए साथियों, ये तो एक अंक वाला है, लेकिन अगर 2 अंक पर बार लगा है तो क्या करोगे, उसका भी तरीका है। ये पहले शॉर्टकट में समझ लो थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर, उसके बाद हम इसका बेसिक फंडा आपको बताने वाले हैं कैसे और क्यों। देखिए जैसे अगर क्वेश्चन नंबर इसमें हम दूसरा दे दें और ये 0.37 के ऊपर बार लगा है, इसका सही जवाब जानते हो क्या होगा? मैंने बताया वो नंबर लिख लो, यानी 37, लाइन खींच के जितना अंक पर बार लगा है उतना बार 9 बढ़ा दोगे, बस ये उत्तर हो गया। है ना, कितना शॉर्टकट तरीका, कितना मज़ेदार है ना। हमारी कोशिश दिन प्रतिदिन यही होती ना साथियों, कि आपको बेहतर से बेहतर क्लास मिले, अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना। जैसे 0.279 पे बार लगा है पूरे पे, क्या करोगे, इसको 279 लिख करके पूरा, 3 अंक था इसलिए 3 बार 9, बस ये हो गया आंसर। लेकिन अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, वो सब मैं समझ पा रहा हूँ आपके जो दिल में उठ रहा है। ये 0.2 अगर इस पर बार लगा है, 5 पे बार नहीं लगा है तो, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लो, अगर लिखा है 2.3 के ऊपर बार लगा है तो, अगर 6वां नंबर देख लो, वो कहा है 0.375, ए में मान लो कि इन दोनों पर बार लगा है, पहले पर नहीं लगा, तो इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पर मिलने वाला है, इससे अधिक भी मिलेगा। एक और भी देख लो, 7वां नंबर 0.37 के ऊपर बार लगा है प्लस 0.3, इसका भी उत्तर बताना है। तो ये सब हम लेके चलेंगे। चलिए पहले हम एक एक सलूशन करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए साथियों, इस समय रात्रि के बहुत ज़्यादा टाइम हो रहे हैं,
लेकिन आप लोग सुबह देख रहे होंगे 5 बजे तो लग रहा होगा कि अभी तो सुबेर हुआ है और ये कैसे, मतलब क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ आ रहा होगा। इसको हल करना है, मान लो इसको क्या करना है, हल करना है। मैथ में मानना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार की बात है, एक मैथ के टीचर थे, वो क्या कर रहे थे, वो खाना खा रहे थे, तो वो अपनी रोटियों को अपनी थाली में टच करा करा के, मतलब छुआ छुआ के उसमें से खा रहे थे। तो उनके किसी फ्रेंड ने कहा कि सर आप तो क्या किया था, सूखे खा जा रहे हैं। तो कहा नहीं बच्चा ऐसी बात नहीं है, दाल को मैंने मान लिया इसमें, ठीक ना। तो अगर कोई मैथ के ऐसे भी महान हैं जो मान करके खाना सूखा खा सकते हैं, तो आप यहाँ मान करके सवाल तो लगा सकते हो ना। बिना मानने यहाँ कुछ नहीं होने वाला, देखना। इसको मानोगे, माना यक्स बराबर ये 0.5, 5 के ऊपर क्या लगा है, बार। इसका मतलब मैंने बता दिया था कब आता है, तो इसको रियल में दिखा दो फिर, इसका असली मुखौटा क्या है, ये है ना, ये समीकरण हो गया एक, ठीक। आप क्या करोगे, अगर एक अंक पर बार लगा है तो आप दोनों तरफ 10 से गुणा करोगे, दो अंक पर लगा है तो 100 से करोगे, तीन अंक पर लगा है तो 1000 से करोगे। यहाँ पे लिख लो, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, या फिर समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x, इसमें गुणा हुआ, इधर गुणा हो जाएगा 10 से, तो साथियों ये हो जाएगा 5.5555, डॉट डॉट डॉट, समीकरण दो। कैसे हो जाएगा देखना, जैसे ये है ना, मान लो कि 0.555 है ना, इसमें अगर 10 से गुणा करोगे तो क्या होगा, पता है, वही जो आपको पता है वही होगा। ये 10 से गुणा करोगे तो ये 5555 3 बार था, 1 0 था, ये तो लिख ही लोगे, इतना तो फंडा क्लियर है। ये 3 अंक पर दशमलव था, इधर से 3 अंक पर दशमलव लगाओगे तो आपको मिलेगा कि ये दशमलव 1 अंक दाहिनी साइड चला गया, कहाँ गया, 1 अंक दाहिनी साइड खिसक गया। तो इस तरह से इतना आएगा। आप क्या करोगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा लोगे, उसके बाद जो आएगा वो देखने लायक होगा, कर लो ना। देखिए इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं हम साथियों, यहाँ पर ये लिख लो 10x बराबर ये 5.555 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, x बराबर 0.555 वगैरह वगैरह। ये हो गया समीकरण कौन सा 1, और ये हो गया 2, इसमें सबट्रैक्ट कर लो, ये हो गया 9x बराबर, ये हो गया 5, तो x बराबर 5/9। नीचे दिख रहा है कि नहीं बता देना, नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना, ठीक है। देखना नीचे क्या आ गया, 5/9। यहाँ पर अगर कुछ क्लियर ना हो रहा तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये नीचे आएगा 5/9, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 बचा था, इधर से जब यक्ष उतार लिया, 9 उधर गया तो भाग में हो गया। इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलें आगे, देखिए उधर साइड में मैंने कुछ समझाया था, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना यार, इसमें ये बस, बाकी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए देखिए, ये तो हो गया एक वाला। अब जब 2 अंक पर बार लगा होता है तो क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, कोशिश करना, टेंशन मत लेना, बस लगे रहना। देखिए जब 2 अंक पर होता है तब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लो आज का। जैसे मैंने लिखा कि 3 9 और दोनों के ऊपर बार लगा है, इसका मान, यार हमारा कोशिश है ना आज ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ जाए। क्या करोगे, पहले इसको मान लोगे, सबसे पहले माना यक्स बराबर 0.39। अब इसका मतलब जो होता है उसको लिख दो, ये 3 9 3 9 3 9, ये इसका मतलब होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक। 2 अंक पर बार था तो दोनों साइड क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक पर होगा तो 1000 से करेंगे, 1 अंक पर होगा तो 10 से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, या फिर वैसे भी लिख सकते हो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 100x बराबर 39.39, ओ सॉरी हाँ
ये तो 39 पढ़ोगे, लेकिन इसको पढ़ोगे 3 9 3 9 3 9 डैश 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 समीकरण दो। ठीक, ये कैसे हुआ आप समझ गए होगे कैसे हुआ। देखो मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे 0 पॉइंट क्या है, 3 9 3 9 और 3 9 है ना, इसमें 100 से गुणा करोगे तो क्या होगा, गौर से देखना, ये कितनी भी बार हो इससे नहीं मतलब। इसमें 100 से जब गुणा कर दोगे तो आप देख रहे हो 6 बार है ना, ये 3 बार लिखा है ना, ये 3 9 3 9 3 9 और 2 बार 0 हो जाएगा लास्ट में, 100 से गुणा करोगे ना। दशमलव जो था 6 अंक पर था, जो गिन लो 6 अंक पर था, 2 अंक और हो गया पीछे ना, 1 2 3 4 5 6 अंक पर, मतलब ये दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। देखो 2 अंक खिसक गया ना दाहिनी साइड, तो 2 अंक यहाँ भी खिसक जाएगा, इसलिए यहाँ पे लग गया। आप क्या करोगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा लो, तो ये 100x बराबर 3 9 पॉइंट 3 9 3 9 3 9, और यहाँ पे नीचे x इक्वल ये 0 पॉइंट 3 9 3 9 3 9 समीकरण 1 घटाओगे तो 99x इक्वल क्या आएगा, 39, तो x बराबर हो जाएगा 39/99, ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन ये कट भी जाएगा अभी, थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा है ना, तो जो भी हो रहा सिंपलीफाई कर लो, उसमें क्या दिक्कत की बात है ना। देखो सिंपलीफाई करने का मतलब ये है मेरा कहने का, कि जो यक्स का वैल्यू आ रहा 39/99 ना, ये थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा, ये इधर देख लो, यक्स इक्वल 39/99 ना, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 1 3 3 3 9 3 3 3 3 यानी 13/33 आएगा, ये इसका फाइनल आंसर आएगा, नोट कर लो जल्दी से, हो गया। चलिए अगला देखते जाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, हो गया। अगर आप इस वीडियो को PBR स्टडी के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अभी तुरंत फॉलो कर लें, अगर PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, तुरंत सब्सक्राइब करें, अगर PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और फिर हमारे साथ जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन नोट करना तूरंत, आंधी की तरह चलते रहो, तूफान की तरह, बस रुकना मत, चलते रहो रुकना मत। साथियों अगला एक क्वेश्चन है 275 पेज पर, मैंने उसको नोट करके रखा हुआ है आपके लिए, बहुत ही दमदार सवाल है ये, दमदार भी है दिलदार भी है। हाँ आ गया ना तूफान मेल, देखो इधर चौथा नंबर लिख लो यार, कुछ भी लिख लो, नंबर बढ़ा लो, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ ये मत सोचना कि हम सब छापने वाले हैं, अब तुम लोग भी कुछ करोगे बे बबू, ठीक ना, समझ रहे हो ना। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अब क्या करोगे, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक ना। और अगला एक क्वेश्चन है 37, और ये क्वेश्चन नंबर है 4 5 नंबर लिख लो, सीधा सीधा रहे 6। हमने और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है ये, ठीक, इसको होमवर्क करना। अब हम यहाँ पर जो करवाने वाले हैं उसको देखना, 2 अंक पर बार वाला मैंने बता दिया, अब 3 अंक पर बार वाला देखो, 3 अंक पर अगर लगा है तो कैसे करेंगे, बहुत ही प्यार से देखना। देखिए हमारे मुंह में कुछ छाला टाइप का निकला हुआ है, इस वजह से आवाज़ हो सकता है कुछ बोल रहे हों, अजीब सी आ रही हो, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही इस वजह से। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर लिख लो 7 8 कुछ भी यार, 6 2 1, ये 3 डिजिट पे बार लगा, इसको कैसे करेंगे, बस सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक आप करते आए हो। माना यक्स के बराबर इसको मान लो, ये 0.621 621 621 और 621, ये बार बार वैसे आता चला जाएगा समीकरण 1, ठीक, इतना बात क्लियर है ना, बस और कुछ नहीं करना है, वही सब प्रक्रिया होगी। अब लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, या ऐसे भी लिख सकते हो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो आपको मिलेगा 1000x इक्वल 621 621 621 डैश डैश इक्वेशन नंबर 2, ठीक।
सबट्रैक इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, समीकरण दो माइनस समीकरण एक। चलो ठीक है, ये दो नंबर मैंने लिख लिया, ठीक, समीकरण एक लिखो, यक्स बराबर 0.621621621-1, ठीक। सबट्रैक करोगे 999 यक्स इक्वल 621, यक्स बराबर आएगा 621/999। कट पीट रहा है तो काट पीट लो, नहीं तो इसी को आंसर लिख दो, तीन से देखो कट जाएगा ना, काट दो अगर कट रहा है तो, तीन से कट जाएगा तो तीन दूना छः, तीन सत 21, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 207/333 आया है ना, नोट कर लीजिए, तुरंत छाप लो फटाफट। अगले सवाल पे चलेंगे हम, लेकिन ध्यान से देखना, ठीक ना। देखिए आप लोग इन क्लास को सुबह देख सकते हैं 5 बजे से PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर, और आप देखते होंगे दोपहर 11 बजे से फेसबुक पेज पर, यानी कि PBR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर यह क्लास होती है। और इतना ही नहीं, शाम को 7:30 बजे से यही क्लास सेम टू सेम आप PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर देख सकते हैं, और मैथ आसान है पर यही क्लास आप 4:30 बजे भी देख सकते हो, मतलब ये की क्लास को आप कई समय देख सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ऊपर नंबर दिया गया है, ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करिएगा। और अब हम अगला टाइप पर चलते हैं। देखो पहले हमने एक अंक पर बार वाला कर लिया, दो अंक पर बार लगे क्वेश्चन को कर लिया, तीन अंक पर भी कर लिया, और शायद इतना किया ना। अब देखेंगे अगर दो अंक है उसमें से एक पर बार लगा है एक पर नहीं लगा है तब कौन सा झंझट होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या लिख दें, बहुत नंबर मैंने डाल दिया था आज तक, तो 9 नंबर लिख लो। ये 0.21, 1 के ऊपर बार लगा है और 2 के ऊपर नहीं लगा है, अब कौन सा झंझावट होने वाला है, प्यार से देखना। देखो इसको भी वैसे ही करोगे जैसे उसको कर रहे थे, माना यक्स बराबर ये 0.2, ये 1 1 1 1 1 1 1 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब समझना ये 2 बार बार ना रिपीट होगा, चूंकि 2 पे बार है नहीं तो 2 का ही रिपीट होगा, केवल 6 6 रिपीट होगा बस। देखो इधर जैसे आपको बता दें कि आप 20 में भाग करते हो 3 से, तो देखो 3 6 18 ना आता है, घटाने पे 2, ऊपर दशमलव बढ़ा के क्या करते हो, 0 उतारते हो ना, फिर कितनी बार जाता है, 6 बार, और फिर ये 18, फिर घटाने पे आया 2, फिर 0, फिर 18, फिर घटाने पे 2 आया, फिर 0, फिर 18। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दशमलव के बाद वाला जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन दशमलव के पहले वाला 6 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे आप 6.6 पे बार ऐसे लिखोगे। बात समझ में आई ना, अगर ये भी रिपीट होता 6 तब तो फिर ऐसा ना लिखा जाता, तो वैसे ही कुछ है ये, लेकिन थोड़ा सा अलग है उससे। ये समीकरण नंबर एक हो गया। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर बार तो एक अंक पर लगा था लेकिन अंक 2 हैं, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, पहले दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। लिखो जल्दी से, समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसमें अगर गुणा करोगे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे 0.2111 मान लो, तीन ही अंक मान लो, ठीक, बाकी कितनी भी बार 1 लिख दो उससे कोई मतलब नहीं, 10 से गुणा करना है ना, गौर से समझना। देखो 10 से गुणा करना है, पहले बिना टेंशन के इन नंबर को लिख लो आप, 2111, एक बार 0 था लास्ट में, एक बार 0 लगा दिया, ठीक। अब देखना 1 2 3 4 अंक पर दशमलव है ना, पीछे से 4 गिन लो, 1 2 3 4, ये लग गया, मतलब यहाँ पर आप कुल मिला के यही याद कर लो एक बात कि अगर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक दाहिनी साइड चला जाएगा, अगर 100 से करेंगे तो 2 अंक, और 1000 से करेंगे तो 3 अंक, तो इस तरह से आपको ये मिलेगा 2.11111, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। इतना बात पक्की है ना, तो छाप लो फटाफट। और हाँ कोशिश किया करिए पहले समझ लिया करिए, लिखने वाला काम तो आप बाद में भी कर सकते हो,
नहीं तो कुछ लोग छापने में बहुत तेज होते हैं लेकिन समझते नहीं हुए को। अब क्या करोगे पता है? देखिए इसमें कुछ झंझावट है, एक पर बार है एक पर नहीं है, तो अब ये पहले की तरह कुछ सामान्य तरह नहीं होगा कि समीकरण एक से घटा लो बस हो गया। समीकरण एक से नहीं, इसमें समीकरण तीन भी बनेगा। अब लिखो समीकरण किसमें? समीकरण एक में, समीकरण एक में 100 से गुणा करने पर, मतलब समझना, अगर एक अंक पर बार है एक अंक पर नहीं है तो फिर उसमें एक बार तो 10 से गुणा करेंगे ही, एक अंक पर था, फिर एक बार 100 से भी करेंगे चूंकि यहाँ पे दो अंक है। ठीक, तो 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, इसमें जब 100 से करोगे तो 0.2 अंक उधर साइड खिसकेगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इतना बात समझ में आई ना? अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 घटा लोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। देखो इधर दिख तो रहा है ना, दिखने में तो कोई झंझट नहीं ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, एकदम अच्छे हैं, जितना कहें उतना ही कम है। ठीक ना, चलें आगे। चलिए देखिए साथियों, अब हम करेंगे क्या, वही जो आप लोग सोच रहे हो, इसको थोड़ा नज़दीक में लिख देते हैं, का मतलब है बहुत लंबा फैलाने से, है ना? तो चलो समीकरण 3 घटा लेते हैं। 3 नंबर समीकरण बना था हमारा 100x बराबर 21.1111, समीकरण 3 था। समीकरण दूसरका वाला का बना था 10x बराबर 2.11111, समीकरण 2। देखिए समीकरण एक जैसे आ रहे हैं तो घटेंगे नहीं, नहीं घटेंगे। इसमें से घटाओगे 90x आ जाएगा, इसको घटाओगे आपको मिलेगा 19। घटाए के देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 21 से 2 घटाओगे 19 आएगा, इधर साइड सब 1 1 है, कट के ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसको आप 19.00 भी लिख सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं होगा, नो ताल्लुक। तो यक्स बराबर ये हो जाएगा 19/90। बात समझ में आई ना? तो ये तो था साथियों बेसिक फंडा, लेकिन इसका ट्रिक कैसे समझोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। जल्दी से इसको लिख लो फटाफट, हो गया ना? आगे चलें। चलिए ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ट्रिक समझ लेना, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ट्रिक समझना, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो केवल 2 अंक हैं, बोलो 2 ही अंक तो है ना, 3 तो है नहीं। और 2 अंक में भी क्या लफड़ा है मालूम है? एक पर बार लगा है, एक पर नहीं लगा है, तो वो तो हम आपको बताएंगे। अब ट्रिक, इसका आंसर 90/ का आया था, 90 नहीं आया था, 19/90 आया था। इसका 19/90 कैसे आता है? देखो पहले ट्रिक के लिए ये समझो कि जो अंक लिखा है सबको लिख लो चुपचाप बिना किसी टेंशन के। लिख लिया, अब क्या करोगे? इतना लिख लिया, अब उसके बाद क्या करोगे? एक अंक पर बार लगा है ना, एक अंक पर बार लगा है तो आप एक 9 बढ़ा दोगे नीचे, ये तो जानते थे कि जितना अंक पर बार होगा उतना 9 बढ़ेगा। अब आप देखो कि एक अंक पर बार नहीं लगा है, अगर जिस पे एक अंक पर नहीं लगा तो एक 0 बढ़ा दो नीचे, बात ख़त्म, लेकिन इतने पे नहीं। अब आप क्या करोगे, जितना अंक यानी कि जिस अंक पर बार नहीं लगा, जिस अंक पर बार नहीं लगा उसमें से इसको घटा दो, ये 19/90 आ गया। ये ट्रिक है, आजमा लो, किसी भी सवाल में कभी गलत नहीं होने वाला है। क्या क्या करना है, पहले वो सारे अंकों को लिख लेना नीचे जो भी है, बड़ी सी लाइन खींच करके, एक अंक पर बार लगा है तो एक 9 बढ़ा दोगे, फिर एक अंक पर बार नहीं है इसलिए एक 0 लगा दोगे, फिर उस अंक को घटा दोगे जिस पर बार नहीं था, हो गया। दूसरा इसमें का एक 10 नंबर देख लो ट्रिक में, जैसे हमने लिखा ये 5 7, इसका आंसर क्या होगा मालूम है? इस पर बार लगा लो, इसका आंसर हो जाएगा साथियों ये 57 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, एक अंक पर बार नहीं है तो एक 0 हो गया, और माइनस 5 पर बार नहीं था तो 5 इसमें से घटा लोगे तो ये 52/90 हो गया। अगर कट रहा है तो काट पीट दो, बात क्लियर हो गई ना, पक्की हो गई ना? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं साथियों, ये तो आपके सवाल हो गए, अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। हाँ अब तो आप देखेंगे 3 अंक वाला, ये तो 2 अंक का था ना, जिसमें एक अंक पर बार था एक पर नहीं था,
लेकिन अब अगला टाइप देखना, टाइप नंबर फोर, तीन अंक का हो जिसमें से एक पर बार हो और एक पर ना हो। ऐसा नहीं, एक पर बार नहीं मतलब दो पर बार लगा हो। देखते हैं कहाँ पे लगा है दो पर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर लिख लो यार, कुछ भी नंबर डाल दो, 2 3 1। इसमें देखो तो दो अंक पर बार लगा है। अब क्या करोगे, कैसे करोगे? देखिए इसका भी फंडा वही होगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, प्यारा सा है ना ये, छोटा सा। चलो देखते हैं, इसको पहले मान लोगे, माना यक्स बराबर 0.231, ठीक। अब देखो जितना अंक पर बार लगा है ना साथियों, वो अंक क्या होगा, वो अंक बार बार रिपीट होगा, तो 231 पूरा पूरा रिपीट ना होगा, केवल 31 यानी 31, ये क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। लेकिन 2 एक भी बार रिपीट ना होगा चूंकि 2 पर बार नहीं लगा है, ध्यान देना। अब क्या करोगे, बार लगा था दो अंक पर ना, दो अंक पर बार लगा था, लेकिन अगर यहाँ पर आप गौर से देखो तो वो इसमें क्या था, एक अंक पर बार नहीं लगा था है ना, और दशमलव के पहले भी था क्या कोई? नहीं, दशमलव के पहले नहीं था लेकिन एक अंक पर बार नहीं लगा था, तो जिस पे नहीं लगा है उसी को लेके चलो, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या करोगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा, ये याद रखना। तो ये हो जाएगा क्या, 10x बराबर एक अंक पर दशमलव इधर जाएगा, ये समीकरण हो गया कितना, अरे यार ये दो नंबर हो गया, ये एक नंबर था, ठीक। अब क्या करोगे पता है, इतना तो हो गया, अब मतलब समझना। एक तो मैंने कर दिया आपके अनुभव के आधार पर, जैसे अभी आपने देखा था एक और सवाल था 0.21 वाला ना, इसमें 1 पे बार लगा था 1 पे नहीं लगा था ना, तो यहाँ पर आपने देखा था कि 1 अंक पे बार नहीं लगा इसलिए इसमें भी 10 से गुणा हुआ था, वैसे इसमें भी क्या हुआ, 10 से गुणा हो गया। हाँ ये याद रखना, जिसमें कुछ पे बार लगा है कुछ पे नहीं लगा है, उसमें जिस पे नहीं लगा उसको देख करके गुणा भाग करते हैं, तो ये हो गया। अब लिखो समीकरण एक में 1000 का गुणा, क्यों करेंगे 1000 का, चूंकि ये 3 अंक है, 3 अंक है तो 3 बार 0 बढ़ा के, तो 1000 का गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा। इधर जानते हो 1000 का गुणा का मतलब क्या हुआ, जैसे 231 है ना और ये 31 है, 31 है लगभग में देख लो, बाकी बढ़ाओगे चाहे जितना कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा 231 और ये 31 और ये 31 और ये 3 बार 0, जानते हो ना गुणा का मतलब, लास्ट में उतना 0 बढ़ जाता है बस। तो ये अब यहाँ पर आप गौर करो तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक पर दशमलव था, 7 अंक पर था, 1 2 3 4 5 6 7 अंक पर दशमलव हो जाएगा। कुल मिला के फाइनल में यही जान लो कि 3 अंक दशमलव दाहिनी साइड खिसक जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 231.31 और ये 31 समीकरण नंबर 3, ठीक ना। अब समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटा लो, ठीक है। लिख लो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, नीचे दिख रहा है ना, दिखने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए समीकरण घटा लेते हैं इसमें से, तो क्या होगा आप देख पा रहे होंगे इधर साइड में, और वो का देख पा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों, वो बात ये है कि समीकरण 3 बना क्या था, दिख तो पूरा बोर्ड रहा यार। समीकरण 3 बना था 1000x बराबर 231.31 और 31, ठीक, यही बना था। समीकरण 2 बना था 10x बराबर 2.313131, बड़ा प्यार से देखना, ये समीकरण 2 है समीकरण 3 है। सबट्रैक करोगे 1000 से तो 990x बराबर 229, यक्स बराबर 229/990, ये क्या आ गया, बात पक्की हो गई, आंसर आ गया। मतलब समझ गए ना, जो मैं अभी तक आपको बताते आया हूँ ना, बस वही चीज़ें हैं बाबू, ठीक है, समझ गए ना। ट्रिक वाला भी इसमें से समझ जाओगे।
नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए इसमें हम आपको ट्रिकी भी बताने वाले थे ना यार, बहुत नींद लग रहा है चूँकि रात के 1:30 बज चुके हैं इस समय, है ना? तो 1:30 बज चुके हैं, हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में, तो गड़बड़ तो ऐसे ना होगा फिलहाल। बस आप लोग दुआएं बनाए रखिएगा। बनाओगे ना दुआ, मतलब भगवान से, अल्लाह से, अपने जो भी हैं गॉड से। चलिए देखिए, अब हम आपको इसमें कुछ और का बताने वाले थे। पहले तो आप लोग चुपचाप एक होमवर्क लिख लो फटाफट, और ये होमवर्क सभी के लिए होगा, देखना। ये है 0.395, इसमें बार लगा सिर्फ एक अंक पर। क्वेश्चन नंबर लिख लो एक और, 1.35, इसमें 5 पे बार लगा है। इनको सबको खुद से करना। अब अगर हम आगे बात करते हैं किसी भी सवाल की, तो वो इसमें मात्र एक ही सवाल बचा है बाबू, ठीक है? एक ही सवाल बचा है, वो क्या है? वो ये है कि इसमें कुछ अंक पर बार लगा हो और कुछ अंक पर दशमलव के मतलब पहले हो, कुछ बाद में हो, तो कैसे करते हैं? बस गौर से देख लेना इसमें प्यार से। जैसे 5.3 में का लफड़ा है? क्वेश्चन नंबर लिख लो कुछ भी, ये है 5.3, 3 के ऊपर क्या है? बार लगा है। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, है कोई आइडिया किसी के पास? नहीं ना? देखना, इसमें भी हम लोग वैसे ही करते आए हैं जैसे वैसे ही करेंगे। माना यक्स बराबर 5.3, आप देखो बार बार कौन रिपीट होगा? अरे वही जिस अंक पर बार लगा है ना? ये क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 1। अब आप देखोगे एक अंक पर बार है, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 10x बराबर। आप जानते हो कि इसमें अगर 10 से गुणा होगा तो दशमलव एक अंक दाहिनी साइड जाएगा, सभी पढ़े हो, तो ये 53.3, ये 3, 3, 3, 3 सब हो जाएंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। बात पक्की ना? अब क्या करोगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 10x बराबर ये हो जाएगा 53.3333333, समीकरण 2। समीकरण 1 हो जाएगा x बराबर 0.333333333, ये समीकरण 1, ठीक ना? बात पक्की ना? कोई दिक्कत नहीं? घटा लो, 9x हो जाएगा। हाँ यार, यहाँ पे कुछ लफड़ा हो रहा है का? देखना, ये 5.333 था, समीकरण 1 गलत लिखे हो ना जी, ये पॉइंट रहेगा। सब ट्रेक कर लो, इसमें से 53 से 5 घटाओगे 48 आएगा, और ये दशमलव इधर सब 0 0 हो जाएगा, चूंकि देखो सब बराबर बराबर, इनको आप काट भी सकते।